तीन आरोप लगे। गोपीनाथ जी मुंडे का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, उनकी बेटी आजकल मंत्री है, 200 करोड़ की चिक्की खा गई। चिक्की जो बच्चों के लिए था वो खुद खा गई। ये बगल में घाटकोपर का एक मंत्री प्रकाश मेहता, नाम सुना होगा, देखने में लगता है कि बाप रे बाप कितना खाता है। वो एक बिल्डर का 500 करोड़ का फायदा कराने के चक्कर में भ्रष्टाचार कर दिया। सारे सबूत है, पेपर है, भ्रष्टाचार जारी है। फर्क सिर्फ इतना है, जब हमारे जमाने में कोई मंत्री भ्रष्टाचार करते हुए पाया जाता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी, उसको रिजाइन करना पड़ता था। और यहां पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुबह आरोप लगता है और शाम को मुख्यमंत्री क्लीन चिट देते हैं, इतना ही फर्क है। चारों तरफ भ्रष्टाचार जारी है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे फेल हो गए और उसके बाद एक नारा लगाए थे, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार नहीं चाहिए मोदी सरकार, ये नारा होना चाहिए। अब इनके नारे से ही इनको जवाब देना पड़ेगा। आप बताओ, डीजल पेट्रोल और गैस की कहानी देख लो। सिलेंडर हमारे जमाने में मिलता था 350 रुपए सिलेंडर, जो गैस की बाटली यूज करने वाले कौन कौन लोग हैं बताइए, कितने में लेते थे भाई? 350 350 रुपए मिलता था। आज कितने मिल रहा जरा बताओ? 800 रुपए मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो गया और ज्यादा। हमारे जमाने में जो डीजल पेट्रोल का भाव था, डीजल पेट्रोल का भाव कैसे तय होता है? अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल का जो भाव होता है, क्योंकि कच्चा तेल हम लेके आते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, डीजल पेट्रोल बना के बेचते हैं। हमारे जमाने में जो कच्चा तेल का भाव था वो $100 से भी ऊपर था, बिल्कुल सही है, 130 तक चला गया था बीच में। फिर भी हमारे जमाने में डीजल पेट्रोल का भाव, पेट्रोल का भाव कभी 80 रुपए नहीं और डीजल का भाव कभी 68 रुपए नहीं हुआ था। आज इस समय, कल परसों की बात बता रहा हूं, कच्चे तेल का भाव $70 प्रति बैरल और मुंबई में पेट्रोल मिल रहा है 81 रुपए में और डीजल मिल रहा है 68 रुपए में। आपको यह भी बता देता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल कहीं बिकता है तो मुंबई में बिकता है। आखिर मुंबई के लोगों ने ऐसा क्या गुनाह कर लिया है कि दिल्ली से, कलकत्ता से, चेन्नई से, बेंगलोर से, तमाम शहरों से ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल हमको मिलता है? क्या मुंबई के लोगों ने शिवसेना बीजेपी को 2014 में वोट देकर के इतना बड़ा पाप किया कि सबसे महंगा पेट्रोल हमको खरीदना पड़े? क्या मजबूरी है? जिन मुंबई के लोगों ने शिवसेना बीजेपी को चुना, उनको सत्ता दी, आज वही शिवसेना बीजेपी के लोग मुंबई के लोगों का शोषण कर रहे हैं, मुंबई के लोगों पर जबरदस्ती थोप रहे हैं। ये तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।